गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट बिना मात्रा वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। ये बिना मात्रा वाले जो शब्द है, जिन शब्दों को कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये बिना मात्रा के शब्द है, ये शब्दों को मिलाकर हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अभी ये वाक्य में प्रयोग करके लिखी है तो हमें पढ़ना है कि बच्चों आपको पढ़ना आना चाहिए, तो मेरे साथ आपको पढ़ना है यश अब। बेटा अभी आप लोग कैसे पढ़ते थे पहले, अनार अब और बकरी ब, पर अभी ये अनार और बकरी एक नहीं पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है अब, ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए अब। यश अब चल। सेकंड नंबर भी क्या है देखो बच्चों, एक एक अक्षर पढ़ना है आपको, छत छतरी छ तराजू त, पर आपको छतरी छ और तराजू नहीं बोलना, छत ऐसे बोलना, छत पर मत चढ़। फिर से पढ़ो, छत पर मत चढ़। बेटा क्लास में पढ़ने लगाते तो आप ध्यान नहीं देते, अभी ये वीडियो भेज रही हो, वीडियो से आप बार बार देख देख के वीडियो आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर है यहाँ पे लिखा, और इधर पढ़ो ये क्या लिखा है, फल फल। एक एक अक्षर पढ़ो, फिर एक साथ दोनों अक्षर मिलके पढ़ो, फल फल। च ख चख फल चख। स्टूडेंट रीडिंग पर भी आपको पेपर में मार्क है, इसलिए रीडिंग आना चाहिए। फोर्थ नंबर है सच 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 कह। ठीक है बच्चा, अभी फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है देखो, उस उस बस बस पर मत मत चढ़। उस बस पर मत चढ़। नेक्स्ट नंबर इज सिक्स, ई स। देखो बच्चों ये ई है, इमली ई, और सड़क स, ई स नल पर जल भर। इस नल पर जल भर। नेक्स्ट सेवन नंबर देखो, जल भर कर घर चल। जल भर कर घर चल। एट नंबर अब जग भर कर भर कर टब पर रख। अब जग भर कर टब पर रख। नेक्स्ट नंबर इज नाइन, खट खट मत कर। खट खट मत कर, खट खट मत कर। नेक्स्ट टेन नंबर, बर गद पर मत चढ़। बरगद पर मच्छर। स्टूडेंट्स आपको ये 10 नंबर तक रीडिंग करना है, ठीक है, 1 से लेके 10 नंबर तक आपको रीडिंग करना है। ओके बच्चों, रीड ये बुक आपको रीड करना है 10 नंबर तक 1 से, और बार बार वीडियो देख के बार बार पढ़ो, ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके बच्चे, अंडरस्टूड?
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।